मुहर्रम की 7 तारीख आते ही नगर में किले के अंदर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल बात यह है कि मुहर्रम पर नगर के हाथी बाबा का निर्माण मराठा समाज के द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। मुहर्रम की 7 तारीख आते ही हाथी बाबा को परंपरागत तरीके से नृत्य कराते हुए परंपरागत मार्ग से घूमने के लिए निकाला जाता है। बताया जाता है कि हाथी बाबा के सामने तुला दान भी किया जाता है, मन्नतें एवं दुआएं भी मांगी जाती है जो पूर्ण होती है। मराठा समाज द्वारा बनाए गए हाथी बाबा को भगवान की शक्ति के रूप में माना जाता है। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हैं। यह मुहर्रम का प्रोग्राम है, ये समाज के द्वारा निकलता है, यह मराठा समाज के द्वारा निकलता है। कौन कौन मनाया जाता है, किन किन द्वारा? हम तीनों भाई के द्वारा बनाया जाता है, हर साल नया निर्माण करते हैं। कौन सी समाज यहाँ दर्शन के लिए आती है? सातों समाज दर्शन के लिए कार्यक्रम किया जाता है। इसके यहाँ कार्यक्रम होता है मुहर्रम की 7 तारीख को, उसका जुलूस निकाला जाता है, बाजार चौक में जाता है और रात की 3 बजे वापस रिटर्न यहाँ स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका रूप माना जाता है, ये भगवान का रूप है, हाथीबान बाबा बोलते हैं इसको। तुलादान वगैरह भी किया जाता है? तुलादान बहुत होता है, मन्नतें बहुत होती है, कोई तो ऐसी मन्नत करता है पूरा खर्चा है इसका उठाते हैं। इस वर्ष सत्यनारायण नोकजा की तरफ से पूरा खर्चा उठाया गया है, मन्नत के हिसाब से करते हैं, मन्नत की तरफ से। मन्नत थी आपकी? मन्नत हमारी नहीं रहती है, जो पब्लिक की मन्नत रहती है वही बनाते हैं, हम तो वर्षों से बनाते हैं। उनकी मदद करते हैं आप? हाँ।